कर मैं हूं आपके साथ इंशान नेशनल टू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। डिग्री कॉलेज के छात्राओं ने डिग्री कॉलेज में किया अपने रिजल्ट के परिणाम को लेकर जमकर हंगामा। जहां फिरोजाबाद के दाऊदयाल डिग्री कॉलेज में आज छात्राओं ने किया रिजल्ट के परिणाम बदलने को लेकर हंगामा। दाऊदयाल डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली हजारों छात्राओं का किया गया रिजल्ट में फेरबदल। पहले दिखाया गया छात्राओं को रिजल्ट में पास और फिर कर दिया गया कुछ दिन बाद हजारों की संख्या में छात्राओं को फेल। वही यूनिवर्सिटी को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिसमें लगभग 17,000 छात्र छात्राओं को पास करने के बाद बीए फर्स्ट ईयर में फेल कर दिया गया, जिसको लेकर आज दाऊदयाल डिग्री कॉलेज की छात्राएं एकत्रित हुई और दाऊदयाल डिग्री कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। इसके बाद दाऊदयाल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल पहुंची छात्राओं को समझाने के लिए और प्रिंसिपल द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसको लेकर यूनिवर्सिटी से छात्राओं के रिजल्ट के लिए बात की जाएगी कि इतने बच्चे फेल होना कोई अचंभे से कम नहीं है। वही छात्राओं ने आरोप लगाए कि रिजल्ट के फेरबदल के संबंध में जब दाऊदयाल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की गई, शिकायत की गई, तो उन्होंने डिग्री कॉलेज की छात्राओं को नसीहत दे डाली और कहा कि अगर आप लोग फोन पर लड़कों से बात करोगी तो रिजल्ट यही आएगा, जिसको लेकर छात्राओं में काफी रोष देखा गया। तो वहीं इस पर जब प्रिंसिपल से सवाल किया गया तो वह सफाई देती हुई नजर आई। सर मेरा नाम उमरा है। क्या हुआ है आपके साथ? कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं आप? मैं दाऊदयाल महिला पीजी कॉलेज में पढ़ती हूँ। इस कॉलेज में हमारा रिजल्ट आया था पास का, अभी 15 दिन पहले रिजल्ट आया, वो फेल कर दिया। जब हमने प्रिंसिपल मैम से कहा कि प्रिंसिपल मैम हमारा रिजल्ट फेल का आया, तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा कुछ टाइम रुक जाओ, 5 दिन का टाइम दे दो, हम अपलोड करके दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी बात चल रही है हमारी। तो हमने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा 3 दिन और रुक जाओ, हमारा फंक्शन चल रहा है। हम 3 दिन में 7 दिन रुके, 3 दिन रुक जाओ, फंक्शन चल रहा है, फंक्शन हो जाए, हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। आज हम बात करने गए, फंक्शन हो गया, सब हो गए, 7 दिन हो गए, तो कहती है मुझे नॉनसेंस बच्चों से बातें नहीं करनी, हम नॉनसेंस है। और फिर स्टेज पे खड़े होकर कहती है लड़के लड़कों से बात करती है इसलिए फेल हुई है। इतने भैया गेट पे खड़े हो जाते हैं, लोग आते हैं गेट। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट सही हो जाए, हम पास फेल नहीं है, पास है, सब लड़के पास है, पूरा कॉलेज फेल कर दिया। आपका रिजल्ट कब आया था पास का? मेरा पास का रिजल्ट आया था 6 अक्टूबर। अब फेल का कब दिखाई दिया आपको? 15 दिन पहले फेल कर दे दिया। ये कोई बात है? पहले आप पास कर दे रहे हो, फिर फेल कर दे रहे हो, बच्चे जो मैम से अटैच्ड है, जो मैम की चापलूसी करती है, पर कौन सी क्लास का रिजल्ट है? ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट की कुछ नहीं पता, और थर्ड सेमेस्टर की फीस मांग रहे हैं। और फीस जब हमने फॉर्म भरा, फॉर्म के लिए जब एप्लीकेशन लगवाई, लिखवाया कि इसमें ना जो फेल हुए तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पास नहीं हो सकते। सर पहले थर्ड सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, उसमें पास लिखा हुआ आया था, फिर 5 दिन बाद रिजल्ट निकाला तो उसमें फेल आ रहा है। हमने प्रिंसिपल मैडम से बात की तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या कहते हैं, तुम्हारा रिजल्ट सही हो जाएगा, 3 दिन में यूनिवर्सिटी बात करेंगे। आज 15 दिन हो गए और कॉलेज वाले कुछ नहीं कर रहे, प्रिंसिपल ने कह दिया हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन से कॉलेज की बात है? दाऊदयाल महिला पीजी मतलब पहले पास दिखा दिया। हाँ, फिर लड़के यहाँ पर स्टूडेंट है जो कि वो उदम कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, किस चीज को लेकर हंगामा? देखिए लाजमी है गुस्सा होना उनका, क्योंकि जिस तरह यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट निकाला है बच्चों का, अगर बच्चा अदर सब्जेक्ट्स में A+ B+ ला रहा है तो क्या वो दूसरे एग्जाम में NQ लाएगा? नॉट क्वालिफाइड फेल हो जाएगा? नहीं फेल हो सकता, मेरे मानने से तो नहीं फेल हो सकता, क्योंकि वो 75 में से 30 नंबर नहीं ला पाया। इतना तो टफ पेपर नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि मैडम पेपर बहुत इजी था, इंटर लेवल का पेपर था, उसमें होम साइंस से रिलेटेड उनका क्वेश्चन थे उसमें। तो यूनिवर्सिटी में बात की गई, एप्लीकेशन यहाँ से भेजी गई,
40,000 बच्चे इंक्लूड हुए एग्जाम में, अपीयर हुए एग्जाम में 40,000 बच्चे, पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, कंपलसरी पेपर है ये, उसमें से 17,000 बच्चों का NQ लिखकर आया उनकी मार्कशीट पे जो अपलोड की यूनिवर्सिटी ने। अपने कितने बच्चे फेल हुए हैं? अपने बच्चों का भी सही तो नहीं आंकलन हो पाएगा क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ने कोई लिस्ट नहीं भेजी है। बच्चों जो डाल रहे हैं अपने रोल नंबर के हिसाब से, वो लोग अपलोड जो करी है उससे वो निकाल रहे हैं अपनी मार्कशीट, है ना। कॉलेज के पास कोई लिस्ट नहीं आई अभी। बच्चों का मैम आरोप है कि उनका पहला जो रिजल्ट आया वो पास का उनको दिखाया, उसमें NQ लिखा था और नीचे लिखा था पास, लेकिन जब कंप्लेन की गई यूनिवर्सिटी ने तो वो NQ एज इट इज लिखा हुआ है, नीचे लिख दिया फेल, क्योंकि वो सही था। जब NQ है तो आप रिजल्ट क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे इस बात को समझ नहीं रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि उस पर आपसे शिकायत भी की उन्होंने, मगर आप उनकी सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, शिकायत तो की यूनिवर्सिटी में। देखिए, मेरे हाथ से रिजल्ट बनना होता तो 100% मार्क्स रखे, लेकिन रिजल्ट मेरे हाथ में केवल 25 मार्क्स हैं, परसेंट मार्क्स हमारे हाथ में है टीचर्स के, तो उसमें से 18, 19, 20 नंबर दिए गए, क्योंकि 80% से ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकते, यूनिवर्सिटी का एक रूल्स है। तो बच्चों को 25 में से 18, 19, 20 मार्क्स दिए गए। 75 नंबर का मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम था बच्चों का, इसमें से 30 नंबर लाने कंपलसरी थे, और वो बच्चों का आगे NQ लिख के आया जो अपलोड किया यूनिवर्सिटी ने, उनकी मार्कशीट जो निकल कर आई, बच्चे लेकर आए, तो उसमें NQ लिखा था, NQ मीन्स नॉट क्वालिफाइड। अब बच्चों का भविष्य का क्या हुआ? उनकी प्रीवियस थी, उनके देखिए बच्चे, मैं मानती हूँ मेरे बच्चे बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, जितने चूड़ी के कारीगर हैं, बच्चे रात में काम कर करके पैसे जोड़ते हैं तब फीस वो जमा करते हैं, मुझे मालूम है उनकी स्थिति। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी कहती है कि मैडम बच्चे 30 नंबर भी नहीं ला पाए, तो मेरा यही कहना है कि बच्चे ए ला सकते हैं, ए प्लस ला सकते हैं, बी प्लस सी किसी का भी नहीं आया, उन बच्चों का, जितने बच्चों या आगे जो हैं मैदान में खड़े हुए हैं, उन बच्चों का सी किसी सब्जेक्ट में नहीं है, तो क्या वो को करिकुलर में 30 नंबर भी नहीं ला पाए? तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की चेकिंग में गलती तो है। और बच्चों का आरोप एक और भी है मैम कि आपने उनसे बोला, उन्होंने आपके पास शिकायत की, देखिए तो आपने उनसे बोला कि आप लड़कों से बात करती हैं इसलिए आप फेल हुई हैं। नहीं, ये बात कैसे हुई? वो बोल रही है ऑन कैमरा बोला। जब बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जब बच्चे जब आते हैं सर, तो एक उनके संग ओरिएंटेशन किया जाता है, बच्चों को मोबाइल शासन ने दिए, बहुत अच्छी बात है पढ़ाई के लिए। देखिए, कोई भी डिजिटल चीज आती है तो उसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है ना। तो अगर बच्चे उस चीज का मिसयूज, टीचर भी निकलती हैं तो बच्चे खड़े नहीं होते, सिर्फ मोबाइल पे हेलो या व्हाट्सएप कॉलिंग पे वो बात कर रहे होते हैं किसी से। तो ये कहना यही है कि बच्चे अपना कैंपस में आओ, पढ़ाई पे फोकस करिए, आप फोन को नहीं करिए, आप घर से आइए, मम्मी को बता दीजिए मम्मी मैं एंटर हो गई हूँ, और कॉलेज से जाए तो बता दीजिए मैं कॉलेज से निकल रही हूँ। फोन का कॉलेज में यही यूज होना चाहिए, आप बताइए मुझे, यही यूज होना चाहिए ना, यही होना चाहिए ना। लेकिन वो इसका मिसयूज करते हैं बच्चे, क्लास में नहीं जाते, इधर उधर बैठ के वो बातें कर रहे होते हैं। अगर मैंने उनको सजेशन दे दिया, उनके संग एक बात कर ली, तो बताइए क्या गलत है बात? मुझे तो अपने बच्चों को बताना ना, सही क्या है उनके लिए, गलत क्या है। सही टीचर से तो बताएगा उन्हें, घर से उनको भेजा है तो पेरेंट्स हम यहाँ पर है, क्योंकि वो परिवार से दूर है या उनके परिवार के हम लोग हैं, तो हमें बताना है उनको।